अस्सलाम वालेकुम, आई एम महवेश अदरीस, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट वेलनेस लाउंज। यू आर वॉचिंग तबीब डॉट पी के। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो वीनिंग फूड। बहुत सी मदर्स की क्यूरीज आती हैं मेरे पास कि हम अपने बच्चे को सॉलिड फूड कब स्टार्ट कराएं, क्या ये च्यू कर पाएगा, क्या ये इसको डाइजेस्ट कर पाएगा, इसको कोई इशू तो नहीं होगा। उनको ये नहीं समझ आती कि हमने इसको स्टार्ट कब कराना है और किस चीज़ से स्टार्ट कराना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने उसकी इम्यूनिटी देखनी है कि बच्चे की हेल्थ स्टेटस क्या है। इधर दे आर मेल नरिश्ड और ओवर नरिश्ड। जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतनी अच्छी जो भी हम उसको डाइट देंगे या जो भी हम उसको खिलाएंगे वो अच्छी एब्जॉर्ब होगी, अच्छी तरह से उसको हज़म हो जाएगी। जो आइडियल एज है बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट कराने की वो 4 to 6 months है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि बच्चे की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। कोई भी अपना या फूड इंट्रोड्यूस कराना है उसको आपने 7 days तक उसको मॉनिटर करना है कि उसका रिज़ल्ट क्या आया है, बच्चा आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर तो उसको डायरिया हो रहा है या उसको वॉमिटिंग हो रही है तो ये एक साइन है हमारे पास क्लिनिकल कि उसको वो चीज़ नहीं हज़म हो रही, तो वो हम उसको 7 days के बाद स्टॉप करा देंगे। 7 days का आपने एक्सपीरियंस करना है और देखना है कि क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है। सेकंड जो चीज़ हमने देखनी है, हमने उसका वेट चेक करना है। अगर तो वो हेल्दी वेट पर है और उसको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है तो डेफिनेटली वो जो खाएगा वो हज़म भी कर लेगा। जिन चीज़ों से स्टार्ट कराना है वो तो सबसे पहले बहुत सॉफ्ट चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो हम सेरेलैक्स की बात करते हैं तो आई वुड प्रेफर कि आप कमर्शियल पैक सेरेलैक्स ना लें, घर में सेरेलैक्स बनाएं। काफ़ी वीडियोस अपलोड होती हैं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखेंगे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी जो होम मेड सीरियल्स बनते हैं। किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, रेसिपीज़ हैं मेरे पास काफ़ी अच्छी हैं जो हम घर में उनके लिए सीरियल्स बना सकते हैं। हम फ्रूट प्यूरीज़ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, हम वेजिटेबल्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, हम बनानास दे सकते हैं, हम उनको मैच पोटैटोज दे सकते हैं, हम उनको जूसेस के साथ स्टार्ट करा सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, वो अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। जैसे 1 year तक बच्चा आ गया है फिर हम उसको नट्स पर ले सकते हैं, हम उनको डिफरेंट रेसिपीज़ जैसे एनर्जी बॉल्स होती हैं डेट्स के साथ, फिग्स के साथ बना के दे सकते हैं, रादर देन कि हम कोई कमर्शियल पैक चीज़ें लें, वही चीज़ें हम घर पर बना सकते हैं। एक तो हाइजेनिकली भी वो अच्छी होंगी हमारे लिए और सेकेंडली जब हम खुद बनाएंगे तो एक हमारा इमोशनल स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है हमारे बच्चे के साथ। मतलब ऑब्वियसली वो हम एक लव, एक अफेक्शन की फीलिंग आएगी, तो वो एक तो बॉन्ड अच्छा बनेगा और दूसरा हमें भी इस चीज़ की तसल्ली होगी कि जो हमारा बच्चा खा रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ खा रहा है। सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन जो आती है वो काऊ मिल्क पर आती है, विच इज़ नॉट अलाउड अप टिल 1 year ऑफ एज। 1 साल तक हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि हम बच्चे को काऊ मिल्क दें। अगर तो कोई इशू है जिसकी वजह से वो फार्मूला या मदर फीड नहीं ले सकता तो फिर हम उसकी डाइल्यूशन कर सकते हैं, पहले 2:1 फिर 1:2 और इसी तरह हम फिर नॉर्मल पर लेकर आ सकते हैं। सेकंड बात जो आती है हमारी हनी की आती है, हनी इज़ नॉट अलाउड क्योंकि उससे जो हमें इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम बॉटुलिज्म बोलते हैं, लेकिन हमारी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जैसे ही बच्चे की बर्थ हुई है हम उसको सबसे पहले हनी देते हैं। अपेरेंटली तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता कि हम कहते हैं कि हमने बच्चे को हनी दे दिया या काऊ मिल्क दे दिया तो अपेरेंटली बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका इशू ये होता है जैसे काऊ मिल्क अगर आप दे रहे हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन्स में आयरन की एब्जॉर्प्शन को हिंडर कर देता है, तो हमारा बच्चा एनेमिक भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ कुछ होम मेड सीरियल रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।